की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरे। लेकिन बेटा, इस काम के लिए चेन बेच देना तो ठीक बात नहीं है ना। तुम्हारे पापा ने कितनी मुश्किल से लिए थे वो तुम्हारे लिए चेन, अपनी जॉब में से थोड़े थोड़े पैसे बचा बचा कर लिए थे उन्होंने। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो सोचो कितना बुरा लगेगा उन्हें। आपको एक सलाह देता हूँ, आप मॉडल बनने आएंगे ना? जी। तो जूलिया, मॉडल में एक एटीट्यूड होता है, वो आप में नहीं है। मैं जब तक अट्रैक्ट नहीं होता किसी की तरफ, तब तक मैं उसके पिक्चर्स नहीं करता। एंड आई एम सॉरी, मेरा अटेंशन तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं था, और ये तुम्हारे लिए एक माइनस पॉइंट है। Work on it. We'll see you later. Okay, sir. I'll take it seriously. Good for you. मेरी तो एडवाइस है, वापस गोवा चली जाओ। यहाँ कितनी लड़कियाँ आती है बट सक्सेसफुल नहीं होती, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फिर बॉयफ्रेंड, ड्रग्स एंड कहानी खत्म। यहाँ की फैशन की दुनिया में मिस जूलिया चमत्कार नहीं होते। I'm talking very practical. Do not get hurt, please. I'm sorry, sir. लेकिन मैं यहाँ boyfriends and drugs करने नहीं आई हूँ। ये सब अगर करना होता तो गोवा में बहुत options हैं। And self-confidence is a superpower. अगर इंसान को खुद पर भरोसा होता है तो चमत्कार भी होता है। और दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं उनको अपने शुरुआती दौर पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो मुझे आपके रिजेक्शन से कोई हैरानी या हर्ट नहीं हुआ है? वेरी गुड थॉट, ऑल द बेस्ट डियर। बट निहारिका, सॉरी डार्लिंग, मैं वैसे भी बहुत बिजी हूं एंड आई डू नॉट हैव टाइम। फिर भी मैं अपने किसी असिस्टेंट से बात करता हूं, अगर उनमें से कोई फ्री होता है कर लेगा इसका फोटो। थैंक यू सर, बट नो नीड। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया, आपके साथ काम जरूर करूंगी, आई प्रॉमिस। निहारिका, मैं बाहर वेट करती हूँ। It was nice meeting you, sir. See you. Take care. You know what? I really pity for this girl. क्या सोच के आ जाते हैं? Adi, Julia is a very good girl. She has in it. अरे फ्रेश है अभी, कभी हम भी थे। Do you remember? तुम्हारा पहला कैटलॉग शो। क्लाइंट ने कितनी गालियां दी थी तुम्हें, काम से निकाल दिया था तुम्हें। और आज, आज कहाँ हो? आज वही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेके तुमसे मिलने के लिए, जिन्होंने कभी तुम्हें रिजेक्ट किया। वक्त वक्त की बात है एडी,
हर किसी का टाइम आता है, इसका भी आएगा। एनीवे, सी यू, बाय। बाय। टाइम तो अच्छी बोली उसने। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। इंसान को खुद पे विश्वास हो, समझदार होते हैं। ये माजरा क्या है समझ में नहीं आ रहा। अरे जूलियन कहीं कहाँ है? ये दिन हो गए दिख भी नहीं रही है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है दाल में नमक कम है। तुम्हें ना हर वक्त खाने की फिक्र लगी रहती है। तो किसकी फिक्र करूं? हाँ? अरे बाबा कौन सी दुनिया में रहते हो? फर्नांडिस भाव की लड़की जूलिया। बाबा जब मैंने जाके फर्नांडिस भाव से पूछा ना तो मुझे बोलते जूलिया यहाँ पे रहती नहीं है। लेकिन उसने ऐसा कहा क्यों? यही तो सोच सोच के ना मेरा वजन कम हो गया। चलो कुछ तो फायदा हुआ। तुम्हें ना हर वक्त मजाक ही सोचता रहता है। लेकिन ना मैं चैन से नहीं बैठने वाली। मैं ना अभी जाकर पता करूंगी कि क्या माजरा क्या है आखिर। अभी जा रही हूँ मैं। हाँ बाय। खुद के घर में क्या हो रहा है इस औरत को उसकी फिक्र नहीं है। पड़ोसियों के यहाँ झगड़ने की आदत है। ये तो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है, वरना मैं कुछ नहीं। तराशा हीरे को जाता है, पत्थर को नहीं। चले मैडम अभी शूट स्टार्ट करें। भैया ना रोज मुझे बोलते रहते हैं वेट लूज कर, लेकिन होता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ना जूलिया से थोड़ी सी हेल्प मांग लूं, थोड़े उससे टिप्स ले लूं ताकि मेरा भी ना वेट लूज हो जाए। वैसे कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही। भाभी वो नहीं है, बाहर गई। अच्छा शाम तक आ जाएगी ना? नहीं नहीं आएगी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी सब ठीक है। वो बैंगलोर गई है जॉब के लिए। जॉब के लिए? रेनी दीदी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे लेकिन वो एमबीए कर रही थी ना, अचानक से जॉब? वो क्या है ना, अच्छा ऑफर मिल रहा था तो उसने कर लिया, और सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। आपको तो पता ही है यहाँ गोवा में तो कुछ हो नहीं सकता है। ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। दाल में कुछ तो काला है, लेकिन मैं भी पता लगा के रहूंगी। भाभी आप बेकार में परेशान मत होइए। नहीं नहीं मैं कहाँ परेशान हो रही हूँ, बस कमाल है जूलिया मुझसे मिलकर भी नहीं गई। ऐसी क्या नाराजगी है पड़ोसियों से कि वो बस बिना बोले ही चली गई। हाँ और कुछ काम है तो बताइए भाभी। नहीं बस वो वेट लूज के बारे में पता करना था मुझे, लेकिन अब खैर अब जूलिया यहाँ पे नहीं है तो
क्या कर सकते हैं जी, मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? नहीं सुधरेगी। अच्छा हुआ तूने शानू को कुछ नहीं बताया, वरना पूरे शहर में ऐलान कर देती। अच्छा तेरी जूलिया से कुछ बात हुई क्या? मैडम का पोर्टफोलियो हुआ है और आज उसके पिक्स एडिट होके आ रहे हैं। पिक्चर्स नहीं आए? हैरी ऑन द वे है, आता ही होगा। हे गाइस, पिक्चर्स आ गए हैं। कैसे आए? माइंड ब्लोइंग, फैबुलस। अरे अभी दिखाएगा, अभी ये लो देखो। Nice. Really? Nice, yeah. अच्छे हैं। देख, अभी ये स्टार्टिंग के लिए तो बहुत अच्छे हैं। आगे भी और अच्छे सेशन करेंगे। When we have budget. Sure. अब इससे तुम्हें काम मिल जाएगा। मैं आज के आज ही मुंबई की जितनी भी मॉडलिंग एजेंसीज है उसमें तुम्हारा पोर्टफोलियोस फॉरवर्ड कर देता हूँ। और याद है ना, मेरा 20%। तुम पूरा रख लो, 100%। ओ हेलो, ऐसे कभी मत बोलना। हाँ, बी प्रोफेशनल यार, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। She's right, yeah. जूलिया, अब तुम्हें एक प्रॉपर प्रोफेशनल मॉडल की तरह बिहेव करना होगा। चेंज योर एटीट्यूड ना। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मौसमी, तुम इसे कोई अच्छी मॉडलिंग एजेंसी में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करती? या व्हाई नॉट? मैं सोच रही हूँ कि इसे ना शोभा मलखानी से मिला देती हूँ। हाँ, शोभा सही रहेगी। अगर शोभा जाए ना तो इसका काम तो हो जाएगा। ये शोभा कौन है? शोभा, शोभा मलखानी, बहुत बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी। बड़े बड़े मॉडल्स का करियर बनाया उसने। देव, अगर तूने उसे इंप्रेस कर दिया ना तो समझ तेरा काम तो हो गया। मैम ये जूलिया है, जूलिया फर्नांडिस। गोवा से आई है, नई है, मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, तो मैंने सोचा कि उसे आपसे मिलवा दूं। जूलिया फर्नांडिस? हाँ, गोवा से। यस मैम। इस इंडस्ट्री में आने का मतलब? पैसे कमाना। पैसे कमाने के और भी बहुत रास्ते हैं। मॉडलिंग मेरा पैशन है और बचपन से आज तक एक ही ख्वाब रहा है मेरा, वही है, कभी चेंज नहीं हुआ। देखो जूलिया, तुम्हारी हाइट ठीक है, बॉडी भी अच्छी है, लेकिन मॉडल बनने के लिए ये दो चीजें काफी नहीं है। राइट टाइम पे राइट एटीट्यूड की जरूरत होती है। मैम इसे आपकी गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए। शी इज अ गुड गर्ल। गुड गर्ल शादी करके अपनी घर गृहस्थी बसाती है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बैड गर्ल्स ही सक्सेस करती है। ऐसे हैरान मत हो, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे और भी झटके मिलने हैं मैडम। नहीं है, सीख जाएगी। वैसे क्या जानती हो इस फैशन इंडस्ट्री के बारे में? ज़्यादा कुछ नहीं, पर लगता है जैसे मैं इसी के लिए बनी हूँ। इतना आसान नहीं है मैडम, बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं कामयाबी के लिए। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, पर एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने पर मिलती है। मैं तैयार। वैसे बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग कर लेती हो तुम, लेकिन यहाँ बातों से नहीं अपनी बॉडी से इम्प्रेस करना पड़ता है। लोग यहाँ कैरेक्टर नहीं, फिगर देखते हैं।
एक्सपोज कर सकती हो? उतना ही जितने की जरूरत है, इतना भी नहीं कि मेरी मम्मी को मेरे पे शर्म आए। इस इंडस्ट्री का कड़वा सच जानती हो तुम? इस इंडस्ट्री का सबसे कड़वा सच ये है कि ये बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है ना, अंदर से उतनी ही बदसूरत होती है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर लोग क्या सोचते हैं वो भी तुम सोचोगी तो वो क्या सोचेंगे? जी मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी, अभी नहीं, कुछ वक्त लगेगा। सारी ट्रेनिंग एक ही दिन में नहीं मिलेगी, मुझे भी सालों लग गए थे यहाँ सीखने में। I'll train you. लेकिन मैं अपने चार्जेस तुमसे अभी नहीं लूंगी क्योंकि तुम मौशमी के रेफरेंस से आई हो। बट यस, मेरा कट रहेगा तुम्हारे हर असाइनमेंट में 40%। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके साथ काम करना चाहती हूँ। ठीक है, कल से तुम्हें प्रमोट करना शुरू कर दूँ। एंड यस, जब बुलाऊं तब आना पड़ेगा। नो आना कानी, नो नकरा, ओके? यस मैम। एंड वन मोर थिंग, लड़कों से जितना दूर रहोगी उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी और जल्दी मिलेगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कबूतर का शौक रखना, दाना भी डालना, लेकिन पालना बिल्कुल मत। Got it? Sure मैम, हम टच में रहेंगे। वैसे नेक्स्ट वीक जेके वाले इंडिया आ रहे हैं, उनकी कंपनी के कोई नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है। एंड ही इज सर्चिंग फॉर अ न्यू फेस। मैं काम करती हूँ, उसकी कंपनी की हेड को तुम्हारे पिक्चर्स भेज देती हूँ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। वैसे भी जेके वालिया बहुत चूजी है, उसे ऐसे कोई फेस समझ में नहीं आता जल्दी। विल ट्राई। ये जेके वालिया कौन है? भैया तो जेके को नहीं जानते। वेट, लेट मी स्पीक टू। तुम फैशन इंडस्ट्री में सुपर मॉडल बनने आई हो, जेके वालिया को नहीं जानती? जस्ट गूगल इट, ही इज द बिग डैडी ऑफ द फैशन इंडस्ट्री। सॉरी मैम, बट जेके वालिया, ही इज द मैन। वो किसी रस्ते पे चलती लड़की को ना रातों रात सुपर मॉडल बना सकता है। गेट माई पॉइंट? और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मैंने ना यहाँ बड़ों बड़ों को खाफ में मिलते देखा है। तरक्की करो, अच्छी बात है, उड़ो, उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। यू मे गो नाउ। लिखा जा रहा है, ये मेरी डायरी है, जब खुश होती हूँ या उदास होती हूँ तो इसी से बात करती हूँ। लिख कर दिल हल्का हो जाता है। इंटरेस्टिंग। शूट कैसा था? शूट वेरी टायरिंग यार, पूछ मत। ये बता, तेरी मीटिंग कैसी रही? अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ शोभा बहुत इन्फ्लुएंशियल लेडी है, तू उसे पकड़ के रखना, तेरा काम हो जाएगा। उसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं पता है, इनफैक्ट जेके सर भी उसी से मॉडल्स लेते हैं। बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, गोवा फैशन वीक हो या मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, सब उन्हीं की कंपनी स्पॉन्सर करती है। मैं भी जेके सर के बहुत सारे शोज करती हूँ। और ये है पल्लवी सूर्यवंशी, इसे तो जानती हो ना? ऑफ कोर्स,
शी इज सुपर मॉडल पल्लवी सूर्यवंशी। बड़ी फैन हूँ मैं इनकी। पेज 3 की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है ये। तो जिनकी तुम फैन हो, मतलब पल्लवी सूर्यवंशी, उसको बनाने वाला और कोई नहीं, जेके वाले हैं। जेके इस पे बहुत ही मेहरबान है और ये मैगजीन भी जेके वाले की है। समझ गई। इन शॉर्ट, ये पल्लवी का गॉडफादर। यस। और अगर जेके को किसी लड़की में इंटरेस्ट आ जाए तो समझो उसका करियर बन गया। बड़े लोग, ऐसे लोग हम जैसी छोटी मॉडल्स में क्यों इंटरेस्ट लेंगे? Yes, Mr. Chang. Hello, JK. How are you? I'm good. When are you coming to India? Very soon. Very soon. I'm sending you an email. Please reply to me soon today. It's very important and it's very confidential. Okay, Chang. And we'll get the permission soon from the government. So don't worry about it. Yes. I look forward to that. See you. Bye. लेकिन ये तुम्हारा पहला शूट है। एक्चुअली मैंने पहले कभी गार्मेंट्स का शूट किया नहीं। लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है तुम्हारी। थैंक यू।